तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग जो है बाइनेंस ऐप में आप लोग यूएसडीटी को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, कैसे आप लोग जो है उसको सेल कर सकते हो। तो आप लोग अगर जो है बाइनेंस ऐप में जाना चाहते हो कि बाइनेंस में जो है किस तरह से किसी भी करेंसी को जो है अपनी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो आज के इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको जो है लाइव प्रूफ अपने बैंक अकाउंट में जो है यूएसडीटी को ट्रांसफ़र करके दिखाने वाला हूँ, सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो कैसे करते हैं उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे आपको आपके बाइनेंस जो बाइनेंस ऐप है उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका टोटल बैलेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा $26 यहाँ पर जो मेरा बैलेंस है, मैं इसको जो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा, इसको सेल करके दिखाऊंगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले स्पॉट पर आपको क्लिक करना है। स्पॉट पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आप लोग ध्यान से वीडियो को यहाँ से देखना। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आपका जो स्पॉट बैलेंस है स्पॉट में, उसको आपको जो है फंडिंग यहाँ पर फंडिंग वाले ऑप्शन में, मतलब यहाँ पर आपको जो उसको ट्रांसफ़र करना है, स्पॉट से आपको फंडिंग में जो है ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पॉट पर ही आना है। देन आपको जो है ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर ऊपर स्पोर्ट और नीचे जो है फंडिंग, मतलब स्पोर्ट से हम जो है फंडिंग में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर BTC दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करके आपका जो भी कोई है यहाँ पर USDT, अगर आपका कोई अदर कोई ना जैसे आपका TRX या फिर कुछ और है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर मेरा USDT, तो यहाँ पर मैंने USDT सेलेक्ट किया, मतलब डॉलर सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अमाउंट फिल करना, जितना भी अमाउंट आप लोग यहाँ पर जो है ट्रांसफर करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैंने जो है टोटल कर लिया मेरा है $26.63। उसके बाद दोस्तों आपको कन्फर्म ट्रांसफर आपको क्लिक कर देना, तो आपको यहाँ पर जो है स्पोर्ट से आपका जो है फंडिंग में जो है आपका जो भी अमाउंट था वो आपको यहाँ पर जो है ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा फंडिंग में यहाँ पर जो है जीरो बैलेंस हो चुका है, और यहाँ पर मैं जो है फंडिंग में मतलब स्पोर्ट में जीरो हो चुका है, और यहाँ पर स्पोर्ट से फंडिंग में आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है P2P का, इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना। मैं आपको काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों आप लोग यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना, वरना आप लोग अपने कॉइन को जो है लॉस कर दोगे। तो आपको दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सबसे पहले बाई का, दूसरा सेल का। तो हमें बाई नहीं करना, हमें सेल करना है। तो आपको सबसे पहले सेल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करेंसी देखने को मिलेंगी काफ़ी सारी। तो आपका जो भी करेंसी है मेरा है USDT, अगर आपका बिटकॉइन है तो आपको बिटकॉइन सेलेक्ट करना है, BNB है BNB, TRX है तो TRX, जो भी आपकी करेंसी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर है मेरा USDT, तो आपको जो है आपको USDT सेलेक्ट करना। देन आपको दोस्तों क्या करना है, आपको फिल्टर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है अमाउंट फिल करना है, मतलब आपको आपका जितना भी जो है डॉलर है USDT है उसका जितना भी अमाउंट बनता है इंडियन रुपीज़ में वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पर $26, मतलब यहाँ पर जो है 2500 के समथिंग है, 2300-2400 के समथिंग, तो यहाँ पर मैं कह लेता हूँ 2500। तो आपको भी अमाउंट फिल कर देना जितना भी आपका जो है अमाउंट बनता है इन INR में। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सेलेक्ट यहाँ पर दिख रहा है सर्च पेमेंट मेथड, इस पर आपको क्लिक करके आपको जो भी मेथड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, मैं UPI से पेमेंट लेना चाहता हूँ। तो आपको जो इसमें भी पेमेंट लेना है, जैसे यहाँ पर आपको अगर बैंक अकाउंट में लेना है तो आपको बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करना है, गूगल पे में लेना है तो गूगल पे में। तो यहाँ पर मैं जो है फिलहाल UPI कर लेता हूँ। देन आपको जो है कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है काफ़ी सारे यहाँ पर बायर्स आ जाएंगे जो आपकी जो है USDT को यहाँ पर बाई करेंगे। जैसे यहाँ पर मेरा आ चुका है यहाँ पर ट्रेड, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर काफ़ी सारे आप लोग किसी को भी जो है सेल कर सकते हो। सेल करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली से सेल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, एंटर क्वांटिटी, यहाँ पर आपको आपका क्वांटिटी जितना भी आप लोग USDT सेल करना चाहते हो वो आपको एंटर करना है। यहाँ पर मैं होल्ड कर लेता हूँ क्योंकि मैं जो है सभी को सेल करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से भी आप लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको दिख रहा है सेलेक्ट पेमेंट मेथड, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपकी सारी UPI ID आ जाएगी। आपका बैंक अकाउंट आपने ऐड कर रखा होगा तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं UPI जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरी ID। देन आपको दोस्तों क्या करना है, आपको दिख रहा है सेल विथ 0 फी, इस पर आपको क्लिक करना है, ये सारा कुछ फिल करने के बाद। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है टाइम चल रहा है, यहाँ पर 2 मिनट, मतलब आपको 2 मिनट तक वेट करना है। यहाँ पर जो बायर है जो आपका जो है जो USDT को खरीदेगा वो आपको जो है पेमेंट करेगा, तभी आपको जो है ये सारा मतलब तभी आपको जो है इसको जो है रिलीज़ करना है अपने कोइंस को USDT को। तो हम यहाँ पर जब तक वेट कर लेते हैं, यहाँ पर जो है टाइमर चल रहा है दोस्तों, आपको यहाँ पर वेट कर लेना। आप लोग यहाँ पर चैट भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पर जैसे मैं कर लेता हूँ हाय, यहाँ पर बोल रहा है RU ऑनलाइन, ये पूछ रहा था, यहाँ पर आप लोग कर लें हाई आई एम ऑनलाइन, ये आप लोग यहाँ पर मैसेज कर सकते हो जिससे कि आपका जो है फास्ट पेमेंट कर दे वो। तो यहाँ पर मैंने कर दिया हाई एम ऑनलाइन, यहाँ पर देख सकते हो ये पेइंग कर रहा है, मतलब डाल रहा है पेमेंट। यहाँ पर मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है चैट में, ये देखो देख सकते हो RU ऑनलाइन, तो ये पेइंग कर।
अब दोस्तों ये जो है मेरा जो है अकाउंट में जो है पेमेंट ट्रांसफर करना, जितना भी मेरा पेमेंट बन रहा है मेरा यहाँ पर बन रहा है 2130 रुपये, वो जो है मेरे को सेंड करेगा। तो यहाँ पर जो है मैं जब तक वेट कर लेता हूँ वो जब तक डाल रहा है, तो मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर जो है सेल करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह से दोस्तों आप लोग अपने बैंक अकाउंट में जो है पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, USDT को ट्रांसफर कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो सेल करके। तो यहाँ पर जो है पेइंग चल रहा है अभी, तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं जब तक कि वो पे कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसने मुझे जो है पे कर दिया है 2130 रुपये। यहाँ पर आप लोग चैट पढ़ सकते हो, चैट में लिख रखा है डन, यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। अब दोस्तों वो जैसे पेमेंट करेगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लिख रखा है प्लीज़ कन्फर्म पेमेंट इज रिलीज। तो आपको जो है सबसे पहले कन्फर्म करना है कि आपके बैंक अकाउंट में आपके UPI में जो है पेमेंट आया या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं जो है चेक कर लेता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऊपर 2130 रुपये मुझे जो है आ चुके हैं मेरे बैंक अकाउंट में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इसी तरह से दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपके कॉइन है जो भी आपका USDT है उसको रिलीज करना है। तो यहाँ पर मैंने जो है चेक कर लिया, आ चुके हैं मेरे 2130 रुपये। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेमेंट रिसीव पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। दूसरे पहला है कि आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ अभी तक, और दूसरा है अब मुझे जो है पेमेंट रिसीव हो चुका है। तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है, देन आपको जो है कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सेंड कोड पर आपको क्लिक करना है, और आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा जो कोड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है सबमिट करना है, उसके बाद दोस्तों आपका USDT यहाँ पर जो है ट्रांसफर उसके पास हो जाएगा, और उसने आपको पैसे तो डाल ही दिए। तो अब आपके पास जो है उसका जो है यहाँ पर देख सकते हो मेरा कोड आ चुका है। तो यहाँ पर मैं जो इसको सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर डाल दिया। तो आपको भी कोड आएगा इस तरह से, देन आपको सबमिट कर देना है। तो आपका यहाँ पर USDT यहाँ पर जो है सबमिट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली सोल्ड 26.63 USDT मेरे सोल्ड हो चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग USDT को यहाँ पर जो है सेल कर सकते हो। USDT क्या है, आप लोग किसी भी करेंसी को आप लोग इसी तरह से जो है सेल कर सकते हो, मैंने आपको जो तरीका बताया इस तरह से आप लोग विड्रॉ कर सकते हो अपनी करेंसी को। तो आइए ओके, आपको दोस्तों सबको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको जो जो तरीके बताए हैं उन तरीकों से आप लोग जो है स्टेप बाई स्टेप आप लोग को करना है, आपको जो है सबको समझ में आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो है सक्सेसफुली सोल्ड हो चुका है, मैं डन कर देता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग जो है यहाँ पर USDT को सेल कर सकते हो, USDT के साथ साथ आप लोग किसी भी करेंसी को कर सकते हो। तो आई होप आपको जो है सबको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है बाइनेंस में, क्योंकि मुझे जो है बाइनेंस की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।